गाइज वेलकम बैक। भाई जिसको जितनी नेगेटिविटी करनी है सलार के लिए वो कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ प्रशांत नील जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आराम से बैठे हुए हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है बिकॉज ही नोज कि जब सलार आएगी और सलार की अपडेट्स आनी शुरू होंगी बॉस, उस वक्त पर इंटरनेट इज गोइंग टू एक्सप्लोड। ओके, अब सलार से लेकर एक बहुत पॉजिटिव बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट जो है वो देखने को मिल रही है। सलार का ट्रेलर, ओ माय गुडनेस, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ख्वाब देख रहे थे कि ट्रेलर हमारे को शायद इस मंथ में, नवंबर के मंथ में देखने को नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं समझौता कर लिया था बिल्कुल अपने दुखों से। लेकिन भाई साहब ये अपडेट देखने के बाद मुझे लगा कि बॉस नाउ दिस इज़ समथिंग। ओके, कल जहाँ तक खबरें चल रही थी सलार के पोस्टपोन होने की, सलार पोस्टपोन हो चुकी है, अभी फिर से आगे जा रही है, नहीं आने वाली है। मैंने आपसे कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है, दीज आर ऑल रूमर्स। जब तक ऑफिशियली आपको कहीं कुछ सुनने को मिलता नहीं है, किसी रूमर को बिलीव मत करना। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि बॉस अगर इतने सारी बातें चल रही हैं, अगेंस्ट चल रही हैं, इसका मतलब सलार में बहुत ज़्यादा दम है और अभी आसपास इतनी नेगेटिविटी होने का और कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर एक कल कह सकते हैं मिडनाइट को या आज अर्ली मॉर्निंग को एक बड़ी न्यूज़ हाथ लगी है कि भाई साहब सलार का ट्रेलर की अनाउंसमेंट। मैं बड़े ध्यान से आपसे कह रही हूँ कि ध्यान से सुनना कि सलार के ट्रेलर की अनाउंसमेंट हमारे को 6 नवंबर को सुनने को मिल सकती है। यस गाइस, अब 6 तारीख ही क्यों आ रही है? देखो आपको याद होगा जब टीज़र की बात कर रहे थे हम लोग, टीज़र की अनाउंसमेंट भी मेरे ख्याल से या टीज़र का ड्रॉप 6 नंबर जो है 6 तारीख को हुआ था। अब अगर हम बात करते हैं सलार के एक्साइटमेंट और बज़ की, मैंने आपसे कहा था कि मार्केटिंग प्लान रोल आउट होने जा रहा है, इसी एक्साइटमेंट और बज़ को आगे बढ़ाते हुए जो प्लानिंग करी हुई है सलार के मेकर्स ने, वो यही है कि आपको किसी ना किसी तरीके से एंगेज रखना है, बताना है, नया कंटेंट देना है। फिर भी मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि इस मंथ में, नवंबर के महीने में हमारे को कोई वीडियो कॉन्टेंट देखने को मिलेगा सलार का, क्योंकि सलार बहुत बड़ी कह सकते हैं कि वेरी वेल प्रोटेक्टेड कॉन्टेंट है। इस कॉन्टेंट को ये लोग इतना ज़्यादा यू नो अंडर रैप्स करके चल रहे हैं कि कोई हम लीक्ड फोटो भी बड़ी मुश्किल से आती है, कोई एक आध आती है। तो हमने श्रुति हसन के एक इंटरव्यू में भी देखा था कि बताया था उन्होंने कि इट इज़ अ वंडर, आई मीन इफ इट इज़ अ प्रभास मूवी आई एम लविंग इट दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट। मतलब जो मेन लीड एक्ट्रेस है इस फिल्म की, उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है। और इसके अलावा बहुत कोशिश की गई कुछ ना कुछ और जानने की, समझने की, बट नो, मजाल है जो कहीं से हमको कुछ भी उड़ता उड़ता सुनने को मिले सलार को लेकर नहीं चल रहा। लेकिन मेकर्स ये चीज़ प्लान करके चल रहे हैं, बड़े तरीके से प्लान करके चल रहे हैं कि जब भी एक्सप्लोर करेंगे पूरी मार्केट उड़ा के रख देंगे हम लोग। और वो हमने सलार के टीज़र के टाइम पे भी देखा था। सलार का टीज़र लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं, शायद अब तो बहुत टाइम हो गया है, फिल्म रिलीज़ होने जा रही है, तो उस टाइम पर तो डेट जो है वो फिक्स थी 28th of September की। सो बहुत चिंता लोगों को लग रही थी, फैंस को, कि यार अभी तो कुछ नहीं आया है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब सलार का टीज़र आया बॉस, 83 मिलियन व्यूज़ इन जस्ट 24 आवर्स वॉज मैड क्रेजी इनसेन। और मुझे लगता है जो नंबर गेम्स प्रशांत नील बोलते आए हैं शुरू से कि मैं नंबर गेम्स में बिलीव करता हूँ और मुझे चाहिए कि मेरी फिल्म जो है वो नंबर्स करे, तो ऐसे करे कि कोई भी और कर ना पाए, तो भाई वो बंदा जो है ना वो बड़ी सॉलिड प्लानिंग लेकर के बैठा हुआ है, मैं आपको अभी बता रही हूँ। और अभी इट्स टू अर्ली, मैंने बहुत कम ऐसे यू नो देखे हैं लोग जो कि पूरे सपोर्ट में चल रहे हैं सलार के, क्योंकि ऑफ कोर्स डिलेज हो रही हैं, पोस्टपोन हो चुकी है, अभी शांति चल रही है, अभी मेकर्स कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन मैं आपसे रोज़ आके मिल रही हूँ, रोज़ आके मैं बोल रही हूँ भाई साहब सलार कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है और वो कर रही है, मेकर्स बहुत बड़ी चीज़ कुछ कर रहे हैं। और हमारे को जब वो दिखेगी ना सामने से बॉस, रॉकी भाई दिख सकते हैं हमारे को, ऑफ कोर्स रेबल स्टार तो हैं ही, और कई ऐसे पहलू हमारे को नज़र में आ सकते हैं, कहानियाँ कैसे आपस में इंटर रिलेट करती हैं, यूनिवर्स कैसे क्रिएट होता है, वो सब जब हमारे सामने आएंगे ना गूज बम्प्स हो जाएंगे, गूज बम्प्स। तो भाई अभी तक की न्यूज ये है कि 6 नवंबर और 12 नवंबर, सेकंड डेट भी आ रही है, दो डेट्स आ रही है, 6 नवंबर एंड 12 नवंबर को कोई बहुत बड़ा बॉम्ब हमारे पे ड्रॉप हो सकता है। यार ट्रेलर आ गया ना, मैं तो बता रही हूं, मैं तो अभी तक भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूं कि ट्रेलर आएगा इस मंथ में। मुझे तो लगता है दिसंबर से पहले कुछ भी वीडियो कंटेंट नहीं दिखाएंगे, बट अगर आ गया सोने पे सुहागा हो जाएगा, टीज़र ज़रूर आ सकता है। मैं ये एंटिसिपेट करूँ, आज के समय में लोग बहुत नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, तो जहाँ पर 2 ट्रेलर्स आते थे अब तो 2 टीज़र्स आ रहे हैं और चीज़ें भी आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि टीज़र हो सकता है एक और वीडियो कंटेंट में हमारे को उसका अनाउंसमेंट आ जाए। दिस इज़ टोटली क्रेजी, आई एम सुपर एक्साइटेड, आर यू? लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। बाकी फिर लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।